के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद और आज एक बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर आप तमाम अहबाब की खिदमत में हाजिर हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अखरोट के साथ एक छोटी सी चीज अगर आप मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो आपके अजू में इतनी जल्दी लंबाई पैदा होती है, ताकत पैदा होती है, कुव्वत पैदा होती है और टाइमिंग पैदा होती है। ये सारी चीजें आपको इससे मिलेंगी। आप ये सोच रहे होंगे कि आप हर वीडियो में ये चीजें बताते हैं और हर चीज के साथ मिलाकर एक चीज बताते हैं और आप एक ही जो है वो एक्सेंट के साथ हर वीडियो में यही बोल रहे होते हैं, तो आज मैं आपको इससे मुख्तलिफ चीज बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूँ जो मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं बताई। लिहाजा वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज्यादा फायदा हासिल होगा इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहले मैं आपको अखरोट के आम फायदे बताता हूँ। इसके आम फायदे कौन कौन से हैं जो कि डॉक्टर और हकीम आपको कभी भी नहीं बताएंगे। सबसे पहले नंबर पर, अखरोट की शक्ल बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह होती है, इसलिए दिमाग को तकवीत देता है। अखरोट खाने से हरारों में इजाफा होता है। अखरोट के तेल की मालिश फालिज और लकवा में मुफीद है। हरे अखरोट को पीस कर अगर नाक पर लेप किया जाए तो पेचिस के लिए नाफे है, यानी जिन लोगों को मोशन लग जाते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। अखरोट के पेड़ की छाल दांतों का कीड़ा दूर करने और दांतों को सफेद करने में अपना सानी नहीं रखती। अखरोट मकवी बा है। हफ्ते में कुल 4 से 5 अखरोट खाने से डायबिटीज टाइप 2 होने के खतरात घट जाते हैं। तो ये थे इसके आम फायदे जो कि ना तो डॉक्टर बताता है ना ही हकीम बताते हैं क्योंकि उनकी दुकान बंद होती है। अब चलते हैं मेन चीज की तरफ कि आखिर एक मर्द खाए तो किस तरीके के साथ खाए जिससे उसके अजू में जल्दी लंबाई, ताकत और कुव्वत पैदा हो सकती है। यहाँ पर एक बात बताते चलूं, आपका मादा इतना ज्यादा पैदा होगा और उसमें औलाद पैदा करने वाले जरासीम पैदा होते हैं, औलादे नरीना पैदा करने वाले, वो किस तरीके के साथ, आइए चल के बताते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ अदद अखरोट लेकर उनकी गिरिया निकाल लेनी और अच्छे तरीके से पीस लेना है। फिर आपने लेनी है दूसरे नंबर पर शक्कर। शक्कर जितनी आपने अखरोट ली होगी उतनी ही शक्कर डालकर आपने, या हो सके तो कम डाल सकते हैं, यानी जितना आप मीठा पसंद करते हैं उतनी डालकर इसको अपनी जेब में रख लें। चलते फिरते इसको थोड़ा थोड़ा खाते रहे, इंशाल्लाह आपको 1 से 2 दिन के अंदर ही फाका नजर आ जाएगा कि इसके अंदर कितनी ताकत है। ये खुद चीज बोलकर आपको बताएगी, क्योंकि जब आपके जिस्म में बोलेगी तो खुद ही आपको पता चलेगा इसके फायदे क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद रखते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल इससे भी ज्यादा अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।